मैं आपको पेंटिंग बताऊंगी। पेंटिंग में मैं आपको नया फूल बताऊंगी कैसे बनाते हैं। फूल पे, फूल की जो पत्ती है उस पर मैं डिजाइन बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें कलर चाहिए। वाइट कलर मैंने लिया है, रेड कलर मैंने लिया है, और ये येल्लो कलर लिया है मैंने, ये ब्लू कलर है, और ये ऑरेंज है। मतलब आप अपनी पसंद से कोई सा भी कलर ले सकते हो। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। फूल मैंने बना करके तैयार कर लिया है पेंसिल से। फूल की पत्तियों में मैंने डिजाइन डाला है, वो डिजाइन तो मैं भर दूंगी। भरने के बाद मैं बताती हूँ आपको कैसे डिजाइन बनाते हैं इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम फ्लैट ब्रश ले लेंगे। फ्लैट ब्रश से हम इसको भरना है हमें। मैंने ये पीला कलर लिया है, इसमें मैंने मीडियम डाला है, दो तीन बूंद मीडियम मैंने इसमें मिला ली है। अब देखिए एक फूल की पत्ती मैं आपको बना के बताती हूँ पहले। हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। इतने हमारा ये कलर पक्का हुआ, इतने हम इसकी बेल बना लेते हैं। तो देखिए बेल बनाने के लिए हमने पतला ब्रश लिया है, एक नंबर का। तो ये देखिए हमारी बेल तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हम इस साइड भी बेल तैयार करेंगे। रेड कलर से इसके अंदर आउटलाइन करूंगी पहले। इसमें हम पतला ब्रश लेंगे बिल्कुल, और उससे हमें आउटलाइन करनी है। तो ये देखिए आउटलाइन मैंने कर दी है इसमें। अब हमें इसके अंदर डिबिया बनानी है। तो डिबिया बनाने के लिए जो हमने इसमें पेंसिल से खाने बनाए हैं उसको हम बनाएंगे पहले। तो देखिए मैंने खाने बना दिए हैं इसमें। अब हमें इन खानों को भरना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये एक खाना भरा, एक छोड़ करके दूसरा भरा है। ऐसे ही हमें किनारे का छोड़ना है, फिर बीच वाला भरना है। एक छोड़ करके फिर दूसरा भरेंगे। खाने आपको बड़ी कुंची से ही भरने हैं। आप चाहें तो और भी इसमें बड़े खाने बना सकते हो। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है इसलिए कि आपको दिख सके। तो ये देखिए ये पत्ती मेरी तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हम इस पत्ती को भी बनाएंगे। देखिए ऐसे छोटी छोटी डिब्बी भी आप बना सकते हो। इसको भी आपको ऐसे ही भरना है जैसे आपने साइड के दो भर दिए।
तो देखिए दोनों पत्तियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। ऐसे ही हमें और पत्तियां बनानी है। इसमें मैं और दूसरे कलर से आपको बताती हूँ। देखिए जैसे आपने ये पीला और रेड का मिक्स मिश्रण किया है, ऐसे ही हमें दूसरी पत्ती में आप अलग अलग फूल भी बना सकते हो। मैं एक ही फूल में आपको कलर बता रही हूँ। कि मेरे पत्ती भर दी है नीले कलर की। इसमें जो है आपको इसी से मैच मिला करके इसे सूखने देंगे पहले। सूखने के बाद इसमें मैच मिला करके हम आउटलाइन करेंगे। मैंने येलो कलर से पीले कलर से इसको आउटलाइन कर दिया है। इसके बीच में थोड़ा सूख जाएगा और तब हम आउटलाइन करके डिजाइन बनाएंगे। देखिए दूसरा फूल हम तैयार कर लेते हैं इतने। देखिए मैं दूसरे कलर से एक पत्ती और भर के बताती हूँ आपको। ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है। ये हमने तैयार कर दिया अलग अलग कलर से। आप एक ही फूल में सारी नहीं भरना, कभी बनाना हो तो अलग अलग कलर से बनाना है। तो देखिए हमारा नीली वाली पत्ती सूख गई है। अब हम इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने येलो कलर से भर दिया है इसको। ऐसे ही हम इसकी इन पत्तियों के साथ भी ऑरेंज कलर के साथ मैच करके बनाएंगे। तो देखिए अब हम जो हमारी ये पत्तियां हैं इसकी आउटलाइन करेंगे। तो इसमें हम व्हाइट कलर लगाएंगे। कपड़ा तो हमारा व्हाइट है लेकिन हमें अंदर का डिजाइन बनाना है इसके। तो हम इसमें आउटलाइन करेंगे पहले। एक एक डब्बी छोड़ के हमें ऐसे बनाना है। तो देखिए इसमें डिजाइन भी बनता आएगा। तो देखिए ये हमारी डिब्बियाँ पत्तियाँ मतलब पूरी हो चुकी हैं। इसमें जो डिजाइन है मैंने अलग अलग कलर का आपको बता दिया है। हर कलर के फूल बन सकते हैं। अब जो बीच का हमारा ये है इसमें हम व्हाइट कलर से भर देंगे। अब हमें इसके बीच में दाने बनाने हैं, बीज बनाना है मतलब। तो हम काले कलर यूज कर लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए मैं काला कलर यूज कर रही हूँ। ऐसे हमें छोटे छोटे इसमें बिंदु बनाने हैं। ये देखिए ऐसे ही हमें ये ऊपर वाला भी फूल तैयार करना है। डंडी को भी हम बना लेते हैं ग्रीन कलर से। तो देखिए मैंने येलो कलर मतलब पीला कलर इसमें भर दिया है। इसे सूखने देंगे 5 मिनट। सूखने के बाद हम इसमें ऐसे ही डिब्बियाँ बनानी है। तो हम इसमें नीला कलर भरेंगे मैच मिला करके। तो देखिए मैं सिंगल फूल बता रही हूँ आपको सिंगल फूल कैसे बनाना है। बाकी हर कलर का फूल तो मैंने इसमें बता दिया है आपको। तो देखिए अभी देखते रहिए आप। तो देखिए हल्का सूख चुका है। अब इसमें हमें आउटलाइन करनी है। तो सबसे पहले पतले ब्रश से हमें इसमें हम आउटलाइन कर लेंगे।
तो देखिए ये मैंने आउटलाइन कर ली है और इसके बीच में हमने नीला कलर कर दिया है। आप देखिए इसमें भी हमें बिंदी बनानी है बीच में, तो इसमें हम वाइट कलर यूज करेंगे। तो देखिए ये फूल भी मेरा तैयार हो चुका है। देखिए कितना कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही आप कोई भी कलर भर सकते हो। आपको ये फूल पसंद आया हो, इसका डिज़ाइन पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।